सब तो पहले सारे प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब सारे नूं कहिंदे हो आ जोर वाली सीटी नहीं दूसरी है तो थैंक यू सो मच जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली मेरी जैसे दीप्ति ने बोला एक मतलब काफी सालों बाद कोई कमर्शियल फिल्म जैसे मतलब इनकी काफी टाइम बाद आ रही है तो मेरी भी ये आई थिंक बॉलीवुड की ये पहली है मेरी जो कमर्शियल फिल्म एज एन आर्टिस्ट मेरी लॉन्च हो रही है पहली भी हमने की है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मुंबई में आके मैं जितने भी बंदों के साथ यहाँ पे काम किया है मतलब रणवीर पाजी के साथ अक्षय कुमार पाजी के साथ अजय देवगन पाजी के साथ और विक्की पाजी एक तो सारे हैं पंजाबी और मेरे को जनरली बहुत अच्छा फील हुआ जितने बंदों के साथ मैंने काम किया चाहे वो पंजाबी नहीं भी आप लाइक अभी 30-40% आधे मैंने कर दी है लेकिन जितने भी बच्चे हैं 30-40% सभी बहुत प्यारे बंदे हैं जैसे दीप्ति ने पहले बोला विक्की पाजी ने बोला भी सेट पे बहुत मजा आता था और उनका जो श्रेय जाता है जो क्रेडिट जाता है वो अनंत सर को जाता है इन्होंने जेन्युइनली बच्चों की तरह और दोस्तों की तरह हमें वहां पे रखा है और हमने मतलब हमें जेन्युइनली नहीं लगा कि हमने ये फिल्म शूट की है क्योंकि हम वहीं रहते थे मोस्टली और वहीं शूट करते थे सो मैं सुबह उठ के और मेरे को एक मिथ था ना पंजाब में जब मैं यार वहां पे बड़े बजट की फिल्में होती है ना 200-400 करोड़ की फिल्में होती है मुंबई में तो माइट भी आराम से करते होंगे ना 150 दिन शूट करते होंगे इजी उठते होंगे ना पंजाब में हम खुद प्रोड्यूसर हैं हम कभी अलार्म नहीं लगाते जब उठ के चले जाते आराम से जाते थे यहाँ से सुबह 7 बजे शूट लग रहे होते हैं मुझे ऐसे ही लिखा होगा जाएंगे तो 10-11 बजे बस 6:30 बजे आके हटकटा रहे होते मेरा गेट भी चलो भाई उठो ये बहुत ही प्रोफेशनल ये तो फंस गए लेकिन जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा जितना भी हमने काम किया है और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ करण सर का पूर्वा सर का तो हमारी लियो मीडिया का आनंद सर का अमृत बाजी सारा का बहुत बहुत प्यार और हमारी कास्ट बहुत ही प्यारी है जनरली आपको बहुत मजा आएगा फिल्म हमारी बहुत अच्छी आप जरूर देखना और मीडिया का मैं बहुत थैंक यू करता हूँ बहुत बहुत जी थैंक यू थैंक यू।